नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है तीर्थ यात्रा और उसका महत्व। आज की कहानी है हरिहर नाम के एक सीधे साधे किसान की। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन की सिर्फ एक ही साध थी कि वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ है। प्रतिवर्ष जब तीर्थयात्री वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका वहां जाना नहीं हो पाता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान भी बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का बहुत अभाव था, अतः तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के फटे पुराने कपड़े थे और पांव में जूते तक ना थे। अन्य तीर्थयात्री उससे कतराकर निकल जाते थे, किंतु हरिहर से नहीं रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। उसने रोंधे स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता हूँ? एक तो बच्चा बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दिलाई। बूढ़े के खेत जो बीजों के अभाव में खाली पड़े थे, लौटते लौटते हरिहर ने उसे भी बीजों के लिए धन दे दिया। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो चुका है और वह चुपचाप घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा ना करने का कोई दुख ना था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी। रात को हरिहर के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में और कोई नहीं, वो मैं ही था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, केवल तुम ही थे जिसने मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग कभी मत करना। हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल मिल गया। हमारे आसपास जो दीन दुखी हैं, गाय या कोई अन्य जीव है, उनकी सहायता, सेवा जैसे भी हो सके अवश्य करें, क्योंकि ना जाने किस रूप में कब नारायण मिल जाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल विदेशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।